नाइंसाफी है, कितना अन्याय किया जा रहा है छात्र छात्राओं के साथ कि 2020 से 23 सेशन जिनका है उनका अभी पार्ट टू का एग्जाम होना चाहिए था, ग्रेजुएशन का पार्ट टू का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्जाम फॉर्म भराएगा पार्ट वन का, फिर पार्ट वन की परीक्षा होगी, फिर पार्ट वन का रिजल्ट आएगा, फिर पार्ट टू में एडमिशन होगा, फिर पार्ट टू की परीक्षा होगी, फिर पार्ट टू का रिजल्ट आएगा। आप सोचिए कि इनका सेशन कब पूरा होगा। तो हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं मगध यूनिवर्सिटी के जिन्होंने सचिवालय सहायक की तैयारी पूरी कर ली थी, एग्जाम की कोचिंग कर लिया था, 2-3 जगह कोचिंग कर लिया, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब फॉर्म आया, वैकेंसी आई, तो उनका ग्रेजुएशन ही पूरा नहीं हुआ, वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। चाहे बॉयज हों या गर्ल्स, आप सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे, एकदम 10 का मतलब 10, 10 का मतलब 10:30 भी नहीं, 10 बजे का मतलब 10 बजे, या 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे पटना आइए। पटना में कहाँ, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट हो चुका है और ये बात जग जाहिर है, क्योंकि 17 से 20 सेशन हो, 18 से 21 सेशन हो, या 19 से 22 हो, या 20 से 23 सेशन हो, सबका हालत ख़राब है। किसी का एग्ज़ाम हो चुका तो उसका रिजल्ट नहीं आया है, किसी का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो अब आप सभी छात्र छात्राओं को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा, नहीं तो फिर इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा और 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स आपका 6 साल में भी पूरा नहीं होगा। 17-20 जिनका सेशन है उनका भी, जो थर्ड ईयर में किसी का क्रॉस लग गया, किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, 2 में फेल कर गए, या किसी कारण से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, एबसेंट हो गए, तो उनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। चूँकि 18 से 21 सेशन है, तो 18 से 21 में पार्ट टू का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो पार्ट टू का रिजल्ट आएगा, पार्ट थ्री का एग्ज़ाम होगा, उसी के साथ उन लोग का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से 17 से 20 और 18 से 21 दोनों सेशन के लोग परेशान हैं। 18 से 21 का क्या हुआ, पार्ट टू की परीक्षा OMR सीट पे अक्टूबर 2021 में हुई, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और फिर पार्ट थ्री की परीक्षा कब होगी, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, जबकि 18-21 सेशन का क्या था, जून 21 में ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पार्ट टू का रिजल्ट नहीं आया है। उसी तरह 20-23 सेशन जिनका है, 20 से 23 सेशन जिनका है मगध यूनिवर्सिटी में, उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि कितना मतलब नाइंसाफी है, कितना अन्याय किया जा रहा है छात्र छात्राओं के साथ कि 2020 से 23 सेशन जिनका है उनका अभी पार्ट टू का एग्जाम होना चाहिए था, ग्रेजुएशन का पार्ट टू का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्जाम फॉर्म भराएगा पार्ट वन का, फिर पार्ट वन की परीक्षा होगी, फिर पार्ट वन का रिजल्ट आएगा, फिर पार्ट टू में एडमिशन होगा, फिर पार्ट टू की परीक्षा होगी, फिर पार्ट टू का रिजल्ट आएगा। आप सोचिए कि इनका सेशन कब पूरा होगा, 6 साल में भी मुझे नहीं लगता पूरा होगा, क्योंकि 2 साल तो ऐसे ही गुजर चुका है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आप लोग तैयार रहिए, आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरिए, नहीं तो फिर क्या होगा, वैकेंसी आती जाएगी, आप फॉर्म नहीं भर पाएगा। अभी सचिवालय सहायक की फॉर्म आई बिहार में, 8 साल बाद BSSC CGL 3, 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है, और जो लोग 17-20 सेशन के थे, 18-21 सेशन के थे, वो सभी लोग इसमें फॉर्म भरते, वो सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते थे, लेकिन सेशन लेट होने के चलते, मगध यूनिवर्सिटी की तानाशाही और लापरवाही के चलते, असंवेदनशीलता के चलते आप लोग का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, और इस वजह से लाखों स्टूडेंट जो आप लोग हैं परीक्षा, ये CGL 3 की वैकेंसी का फॉर्म भरने से आप लोग वंचित रह गए, फॉर्म नहीं भर पाए। तो क्या आगे भी सेंट्रल सरकार की कोई वैकेंसी हो, या बिहार सरकार की वैकेंसी हो, या किसी अदर स्टेट में जो ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी आएगी, तो आप लोग उससे भी वंचित रह जाइएगा। तो इसलिए आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए और सड़क पर उतर के आंदोलन कीजिए, और ये मत सोचिए कि कोई तो आंदोलन कर रहा है, हम घर बैठे रहते हैं। अगर आप यही सोचिएगा तो फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलते रहेगा, और आप बहुत हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं मगध यूनिवर्सिटी के जिन्होंने सचिवालय सहायक की तैयारी पूरी कर ली थी, एग्ज़ाम की कोचिंग कर लिया था, 2-3 जगह कोचिंग कर लिया, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब फॉर्म आया, वैकेंसी आई, तो उनका ग्रेजुएशन ही पूरा नहीं हुआ, वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन तो किसी का 2020 में होना चाहिए था, किसी का 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पार्ट टू का रिजल्ट नहीं आया, किसी का पार्ट थ्री की परीक्षा नहीं हुई, तो किसी का पार्ट वन का परीक्षा नहीं हुआ, और सभी लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो अब घर बैठने से नहीं होगा, जो भी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग छात्र छात्राएँ, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स,
आप सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे, एकदम 10 का मतलब 10, 10 का मतलब 10:30 भी नहीं, 10 बजे का मतलब 10 बजे, या 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे पटना आइए। पटना में कहाँ, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो पहले नाम था अब तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स साइंस हो गया, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से ही फेमस है अभी भी। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बगल में जो है, राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज के बगल में, यानी राजेंद्र नगर टर्मिनल के आसपास, आप सभी जानते होइएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना आपको आना है। पटना इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो VC हैं वही अभी मगध यूनिवर्सिटी के भी VC हैं, तो इसलिए हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही आंदोलन कर रहे हैं। VC से हम लोग को मिलना है, VC साहब से मिलके अपनी समस्या को रखना है, क्योंकि जब हम लोग 12 अप्रैल को VC साहब से मिले थे, उनका घेराव किए थे, तो VC साहब ने कहा था कि 10 से 12 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे, हमको समय दीजिए। तो 10 से 12 दिन तो गुजर चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, ना ही कोई नोटिस आया है। तो अब VC साहब की बातों पे हम लोग का कोई यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास जो है पटना में, वहां आइए सुबह 10 बजे 27 अप्रैल को, और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए, आवाज बुलंद कीजिए। नहीं तो फिर इसी तरह से सेशन लेट चलता रहेगा, आपका ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल के जगह 6 साल 7 साल में पूरा होगा, साथ ही PG का भी जो कोर्स है 2 साल में पूरा होना चाहिए, लेकिन PG का भी कोर्स 3 साल 4 साल में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग भी हैं मगध यूनिवर्सिटी के, चाहे वो ग्रेजुएशन के होइएगा या PG के होइएगा, आप सभी लोग आइए। चाहे आपका जो भी सेशन रहा हो, चाहे आप 17-20 सेशन के हो, 18-21 सेशन के हो, 19-22 के हो, या 20-23 सेशन के हो, हर सेशन की बात हम लोग करेंगे, कोई भी सेशन लेट नहीं होना चाहिए। सभी सेशन की जो परीक्षा है, रिजल्ट है, सही समय पे आए और ग्रेजुएशन सही समय पे पूरा हो। तो आप जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे ग्रेजुएशन के होइएगा PG के होइएगा, आप सभी लोग आइए 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, और 10 का मतलब 10 बजे, लेट नहीं कीजिएगा आप लोग। और गर्ल्स को भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए, ये मत सोचिए कि बॉयज जा रहा है हम क्यों जाए, क्योंकि 12 तारीख को 7-8 गर्ल्स भी आई थी, बॉयज भी आए थे और गर्ल्स भी आई थी, और 27 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में गर्ल्स भी आइए, बॉयज भी आइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या आपकी होगी उतनी जल्द आपका डिमांड पूरा होगा, अगर संख्या कम होगी तो डिमांड पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग घर मत बैठे रहिए, अगर कोचिंग उस समय हो तो कोचिंग छोड़ के आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हैं किस लिए, जब आपको डिग्री ही नहीं मिलेगा तो फिर कोचिंग करने से भी कोई फायदा नहीं, तो एक दिन आप कोचिंग भी छोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाद में आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे आप लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना जरूर आइए, और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।